नहीं है मेटल मेटल आयन, तो मेटल मेटल आयन में तो सिर्फ Fe प्लस प्रेजेंट है, यदि हम सिर्फ ये रिएक्शन ले रहे हैं तो Cl माइनस का पिक्चर में क्यों आएगा? स्टैंडर्ड इज डिफाइंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयन व्हिच प्रेजेंट इन द रिएक्शन इज 1 मोलार। क्लियर? यस सर, क्लियर है। सर वे पॉज हो रही है? नहीं यार, मेरे एंड पे तो मुझे नहीं लग रहा है प्रॉब्लम। कंफर्म करो वीडियो पॉज हो रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर। जिसको प्रॉब्लम लग रहा है वो रिजॉइन करके देख लो एक बार। अब क्वेश्चन आता है, डू वी हैव डेरिवेशन फॉर दिस कि ईएमएफ सेम होंगे? चलो मैं इसको डिराइव करके भी बता देता हूं। तो थोड़ा सा डेफिनेटली ये हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बट डेरिवेशन पता होगा तो जब कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। क्लियर? सो मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, Ag+ इसके थ्रू मुझे कुछ कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी है। Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag सॉलिड, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं डेल्टा G1 नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम सब कुछ ले रहे हैं। चलो डेल्टा G1 नॉट कितना होगा लास्ट में देखेंगे कितना होगा। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन AgCl सॉलिड इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस, इसके लिए डिफाइन करेंगे डेल्टा G2 नॉट, एंड ऑन एडिशन ऑफ दिस टू रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Ag+ कैंसिल हो गया गिविंग Ag प्लस Cl माइनस, इसके लिए डिफाइन होगा डेल्टा G3 नॉट। कैन वी से दैट थर्ड रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। सो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके ये आया है, सो डेल्टा G विल बी एडेड इन द सेम मैनर एज ऑफ द रिएक्शन हेस लॉ, डेल्टा H डेल्टा G उसी मैनर में हम ऐड या सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस मैनर में हमने रिएक्शन को ऐड या सबस्ट्रैक्ट किया है। ये जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना उन्हें ऐसा किया जा सकता है। सो हमने कुछ ये लिखा, अब आता है डेल्टा जी पर। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी होगा माइनस एन एफ ई नॉट और इसका ई नॉट होगा ए जी प्लस ए जी, माइनस एन एफ ई नॉट, ए जी प्लस ए जी का ई नॉट लिख दिया हमने, माइनस एन एफ ई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन, इसके इस पर आते हैं माइनस एन एफ ई नॉट और इसका ई नॉट होगा Ag, सॉरी Cl माइनस AgCl Ag, दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो लास्ट तक? नहीं सर, G3 नॉट नहीं दिख रहा है तुम्हें। मैं काम करता हूं डेल्टा G3 नॉट को यहां पे लिखता हूं ताकि वो दिख जाए, डेल्टा G3 नॉट माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन एफ E नॉट सेल और इसके E नॉट का रिप्रेजेंटेशन होगा Cl माइनस AgCl Ag, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? कोई बताएगा डेल्टा G2 नॉट कितना होगा? व्हाट इज डेल्टा G2 नॉट? जीरो। क्या जीरो? किसने बोला जीरो? मतलब एक रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो ही नहीं रहा है। क्या मैं NFA डिफाइन कर सकता हूं इसका डेल्टा G नॉट? पहले तो मुझे ये बताओ। अगेन समझना, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, इसके थ्रू एक और ये जो कॉन्सेप्ट अब आएगा तो मैं समझने की दो रिएक्शन को ऐड करने पे कैसे डेल्टा G ऐड सब्स्ट्रैक्ट करते हैं प्लस डेल्टा G को डिफाइन कैसे करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड आर रेडॉक्स रिएक्शन, दे इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो माइनस एन एफ लिखा। दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज जस्ट अ डिसोसिएशन रिएक्शन, इट इज अ सॉल्युबिलिटी रिएक्शन ऑफ अ स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट। AgCl plus one minus one redox change को है नहीं, so I cannot write minus NAP क्योंकि n number of electron transfer का picture में नहीं, so क्या होगा delta G minus RtLnK minus RtLnKsp, इसका equilibrium constant होगा Ksp, so delta G for an equilibrium reaction will be minus RtLnK equilibrium, clear? और यहां पर ये होगा,
तो तुम अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, इसके लिए एनएफई डिफाइन नहीं होगा, बट इसके लिए तो इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा। क्या इसका ई नॉट ऑफ माइनस आर टी डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकते थे? इसमें भी लिख सकते हो, बट तुम्हें याद है लास्ट लेक्चर हमने डिराइव किया है, और आज एक क्वेश्चन भी था मेंस में सुबह टेस्ट में जेपी के, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिखो या माइनस एन एफ लिखो, दोनों एक ही बात है। ई नॉट से याद है हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। Yes, तो वो लिखोगे ये लिखोगे दोनों सेम ही है, बट इसके लिए हम एनएफपी नहीं लिख सकते क्योंकि एन डिफाइन ही नहीं होगा, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो अब आ जाते हैं हम वापस इस पर, डेल्टा जी थ्री, डेल्टा जी थ्री का वैल्यू माइनस वन एफ ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, डेल्टा जी वन नॉट माइनस वन एफ ई नॉट ए जी प्लस ए जी, इसका वैल्यू माइनस आर टी एल एन के एस पी। बोर्ड पे देख लेना फिर कॉपी करना, ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल टू ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस वन एफ से डिवाइड कर दो सबको, तो आर टी बाय वन एफ आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। तो ये आएगा फाइनली हमारा माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ 0.059 बाय वन लॉग ऑफ के एस पी, और के एस पी को तुम लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू सी एल माइनस। क्लियर? दिस इज द रिलेशन फॉर ई नॉट। सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट ई नॉट इज नॉट सेम, E naught of metal metal sparingly soluble salt half cell equal to metal metal ion half cell minus something. Copy करो जल्दी से, नहीं किया हो तो। अभी तक ये हमने derive नहीं किया कि उनका EMF क्या है, मतलब E cell same आएगा जो हमने लिखा था। E naught same नहीं है, ये तो हमने derive कर लिया E naught के बीच का relation। अब हम E cell पे भी आ सर, ये नर्स्ट इक्वेशन निकाला है ना? नर्स्ट इक्वेशन, हाँ, मतलब नर्स्ट इक्वेशन नहीं निकाला है, जस्ट इनॉट सेल में रिलेशन निकाला है। नर्स्ट इक्वेशन अब इसके बाद हम लिखेंगे। चलो अब मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, E Cl minus AgCl Ag equal to E naught Cl minus AgCl Ag minus 0.059 by 1 log of, हमें इस रिएक्शन का EMF लिखना है। E cell equal to E naught cell minus log of reaction quotient Cl minus power 1 solid solid, तो यहां पे सिर्फ Cl minus आ जाएगा। क्लियर? बोर्ड पे देख लेना आप, E naught को रिप्लेस कर दो यहां से, सो दिस E naught विल बी E naught Ag प्लस Ag माइनस 0.059 बाय 1 लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट विच इज Ag प्लस इनटू Cl माइनस।
कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? एक मिनट, एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया था, सो ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, दिस शुड बी प्लस, चेंज कर लेना यहाँ पे सभी, ये प्लस होगा, सारे माइनस माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये तो आ गया इसका वैल्यू, क्लियर, इसका वैल्यू आ गया, फिर ये वाला टर्म एज इट इज माइनस 0.059 बाय 1 लॉग ऑफ सीएल माइनस, ये टर्म यहाँ पर माइनस 0.059 लॉग ऑफ सीएल माइनस, ये कुछ आ गया, क्या इतना क्लियर है? चलो चेतना ये बताओ 0.059 log of Ag plus Cl minus minus log of Cl minus क्या बचेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो एड या सब्सट्रैक्ट जो भी दे रखा है क्या बचेगा क्या मैं ये लिख सकता हूँ minus log 1 by Ag plus बचेगा Cl माइनस प्लस साइन के साथ Cl माइनस माइनस साइन के साथ तो Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा 0.059 कॉमन आ गया बचा प्लस 0.059 बाय 1 log Ag प्लस मैंने माइनस कर दिया और Ag प्लस ऊपर को 1 बाय Ag प्लस कर दिया क्या ये रिलेशन क्या ये नर्स्ट इक्वेशन है मेटल मेटल आयन का सेल का यदि तुम ये रिएक्शन लिखोगे Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag सॉलिड क्या इसका नर्स्ट इक्वेशन ऐसा ही आएगा EMF इक्वल टू नॉट माइनस 0.059 बाय 1 0.059 गायब हो गया 0.059 बाय 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट Ag प्लस सो ये इसका ईएमएफ हो जाएगा मेटल मेटल एंड ऑफ सेल का सो दिस होल कैन बी रिटन एज ई सेल ऑफ Ag प्लस Ag सो यहां पर हमने ये एक्सप्लेन किया ये प्रूव किया है इन दोनों का EMF सेम आएगा E नॉट सेम नहीं है बट EMF सेम है ये सिर्फ प्रूफ करना मेरा यहाँ पे मैंने नहीं कहा मुझे कैसे ये हमने कन्वर्ट किया है कैसे उसे इंटरप्रेट किया है KSP को क्या लिखा है ये डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज आ सकता है कॉपी करो कुछ डाउट है तो क्लियर करो ये डेरिवेशन जब तक तुम घर पे बैठ के खुद से एक बार नहीं करोगे तो एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन नहीं बना पाओगे पक्का तो डेरिवेशन खुद से करके देखना होगा जब तक तुम खुद से नहीं कर लोगे सारे स्टेप एक बार करने जाओगे हो सकता है फिर कुछ देखना पड़े फिर सेकंड टाइम करने जाओगे थर्ड टाइम में जाके खुद से पूरा कर पाओ तो टाइम लगेगा जो लेक्चर नोट्स रिवाइज करोगे डेरिवेशन खुद से डिराइव करोगे बट करना पड़ेगा तभी ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा आयोनिक इलेक्ट्रो यहाँ पे जो भी कुछ है ना खुद से रिपीट कर समझना पड़ेंगे तभी वो समझ में आएंगी चीजें Find EMF of this cell. तुम्हें EMF बताना है KSP के terms में C1, C2 के terms.
और एमआर बैच तुम्हारा जो डाउट डिस्कशन है जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है उतना तुम कर लेना कंप्लीट। मैं नेक्स्ट वीक में कभी भी एक दिन इवनिंग में क्लास रखकर डाउट डिस्कशन ले लूंगा ना, एक घंटे डेढ़ घंटे जो भी हमें लगेगा। सो प्रिपेयर रहना तुम बस अपने एंड से। नेक्स्ट वीक में तीन लेक्चर्स लगाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो होप मैक्सिमम पार्ट इसका नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए। थोड़ी सी लेक्चर फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए बढ़ाई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्योंकि एमआर बेंच का सिलेबस जल्दी खत्म करना उनका लास्ट चैप्टर है, तो हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी फास्ट चल रहा हूँ, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाए, बाकी स्पीड वही है जो एक्चुअल होनी चाहिए। किसी का भी आंसर आता है तो अनम्यूट करके बताना मुझे एक बार। चलो देखो, नेट रिएक्शन फॉर दिस एजी एजी प्लस मेटल मेटल स्प्रिंग सोल्युबल सॉल्ट है, एजी गिविंग एजी प्लस गिविंग एजी सोल्युबल सॉल्ट है, क्लियर? तो सोल्युबल सॉल्ट है 100% डिसोसिएट होगा, वैसे तो सारे सॉल्ट डिसोसिएट होते हैं बट इसका कंसंट्रेशन दे रखा है इसी यहां पे इसका ये स्पेरिंग सॉल्ट है। हमें कैसे पता चलेगा? दो चीजें, एक तो जब हम सॉल्युबिलिटी सॉल्ट एनालिसिस कर लेंगे तो ही हमें पता लग जाएगा कि इसका केस भी डिफाइन होता है स्पेरिंग सॉल्ट है। सेकंड, केस भी इसका दिया है, इसका केस पे डिफाइन हो रहा है वो स्पेरिंग सॉल्ट है, ठीक है? इसका नेट रिएक्शन और इसका नेट रिएक्शन सेम होगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ फिर रिडक्शन हाफ, शॉर्ट ऑफ एक कंसंट्रेशन सेल हो गया है। चलो देखो मैं इसको कैसे प्रोसीड कर रहा हूं। ईएमएफ ऑफ सेल E naught ERP of cathode AG plus AG minus, मुझे RP लिखने की जरूरत ही नहीं है जब मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है, तो E AG plus AG ERP of cathode minus ERP of anode, anode है हमारा Cl minus Br minus AgBr and Ag. So EMF of this minus EMF of this. इसका हम EMF लिखते हैं E naught
Ag plus Ag minus 0.059 by 1 log of 1 upon Ag plus. क्या इतना हमें समझ में आता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल का ईएमएफ E naught minus 0.059 by 1 log of 1 upon Ag plus आएगा. Ag plus plus electron giving Ag. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. EMF लिखते हैं हम. क्या इसका EMF और इसका EMF सेम ही होगा दोनों का EMF? So, हम ये वाला पॉइंट अब यूज कर लेते हैं और इसका EMF होगा E naught Ag plus Ag minus 0.059 by 1 log of 1 upon Ag plus. But ये Ag plus कौन सा है जो कैथोड पर है, ये Ag plus कौन सा है जो एनोड पर है. So, हम जो सेकंड वाला Ag plus लिख रहे हैं वो कैथोड वाला हमें लिखना है. क्लियर? सॉरी, फर्स्ट वाला कैथोड, सेकंड वाला एनोड, दोनों Ag plus है बट डिफरेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेल है वो. E नॉट सेल कैंसिल हो गया जो होना भी चाहिए, कंसंट्रेशन सेल में ये E नॉट सेल जीरो होता है. चलो अब देखते हैं आगे क्या आएगा, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना. EMF of cell equal to 0.059 by 1 common ले लो, log of, चलो एक काम करते हैं हम इस Ag plus को ऊपर लेके आ जाते हैं, तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा Ag plus at cathode upon, ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो चुका है, दो माइनस है तो वो Ag plus anode डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा. क्लियर? 0.059 by 1 log of Ag plus at cathode, AgNO3 का concentration दे रखा है C2, तो ये तो हो गया C2. अब आते हैं Ag plus anode क्या होगा. Anode पर we have this kind of sparingly soluble salt Ag plus into Br minus is KSP. Clear? चलो जल्दी से बता दो Ag plus कितना होगा anode पर. KSP upon C1 upon Br minus. Ksp upon Br minus, और Br minus का concentration कितना दिया है? C2, sorry, C1. So, यहां पे आ गया C1, C2, final answer of EMF. क्या इतना क्लियर है? यस सर. कर लो कॉपी. नीट में इतना लेंथी क्वेश्चन आने तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यस बेसिक इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो यूज आ सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, बट आईआईटी एडवांस में बहुत बार ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए मेटल मेटल स्पेरिंग सिंगल सॉर्ट ऑप्शन. ये मान के चलो हर 3 साल में एक बार तो क्वेश्चन आता ही आता है. Nayan Patel is there or not? चलो हो गया इतना कॉपी. सर वो C1 C2 by KSP कैसे आया वो एक बार बता देना. उसके ऊपर वाला स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Ag plus at anode into Br minus at anode equal to KSP. Ag plus at anode is KSP upon Br minus. और Br minus question में दे रखा था C1.
अभी क्लियर? यस सर। मैं कुछ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर, थ्योरी है थोड़ा सा। नेक्स्ट हाफ सेल केलोमल इलेक्ट्रोड। केलोमल इलेक्ट्रोड इज अगेन अ टाइप ऑफ मेटल मेटल स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पहले कुछ साल पहले ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जैसा यूज होता था। क्लियर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जैसा यूज होता था, मतलब इसमें इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते थे, बट अब हम हाइड्रोजन को करते हैं। केलोमल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ Hg मर्क्यूरी covered with Hg2Cl2 mercurous chloride, इसे केलोमल कहा जाता है mercurous chloride को, in contact with a solution of KCl, so Hg2Cl2 and KCl, यहाँ पर inert electrode use करना होगा, because metal is in liquid state, mercury, यहाँ पे Hg आ गया, Hg2Cl2 आ गया, और ऊपर आ गया KCl, क्लियर? Act as anode, Hg का oxidation होगा, 0 से plus 1 में जाएगा, act as cathode, Hg का रिडक्शन होगा, प्लस वन से जीरो में चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। इतना सिमिलर है जैसा हमने लास्ट देखा था, बट ये स्टैंडर्ड एजम्पशन लिया गया है इसको काफी पहले, इसलिए यूजफुल है, पता होना चाहिए इसके लिए। सर वो डायग्राम क्या है वो एक बार समझा दीजिए ना। डायग्राम में सबसे पहले तो Hg है नीचे, फिर HgCl2 है, मेटल है सबसे नीचे उसका, फिर मेटल का स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, सोर्स ऑफ एनायन ऑफ मेटल, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वायर। यहाँ पर जो मेटल है इट कैन नॉट प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म मर्क्यूरी, तो इसलिए हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ा। सर ये इन्वर्टेड है ना? हाँ सर ये इन्वर्टेड है ना, मतलब प्लैटिनम नीचे रहता था अभी ऊपर है, तो प्लैटिनम नीचे रहता था, प्लैटिनम का तो वायर है ना पूरा नीचे तक गया है, वो प्लैटिनम वायर मेटल इलेक्ट्रोड प्लैटिनम, प्लैटिनम नीचे रहता था, मतलब प्लैटिनम तो पूरा ऊपर से नीचे तक रहता था, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, वो तो बाहर कनेक्ट होगा जाकर किसी से, देख पा रहे हो प्लैटिनम वायर पूरा नीचे तक है। सर वो प्लैटिनम ब्लैक की बात कर रहा है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन SH में रिक्वायर्ड होता है प्लैटिनम ब्लैक, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन आपस में हो जाता है, वहाँ पे रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता था। हो गया इतना कॉपी? एक मिनट।
सर वो लास्ट में क्या लिखा है? एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. यू कैन राइट जस्ट यहाँ पे ई नॉट लगा लेना बस, तो एसआरपी हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन. Next equation for this kilomole electrode, ये oxidation का representation है, reduction का representation है. Oxidation के लिए next equation, reduction के लिए next equation. Hg pure liquid में count होगा, activity 1. Hg2Cl2 semi solid रहेगा, उसकी activity 1. सिर्फ Cl minus picture में आ जाएगा, जैसा हमेशा आता है. There are three types of kilomole electrode generally used are standard kilomole electrode, जिसमें KCl saturated होगा, इसका concentration होता है 3.5 molar saturated का, और इसका ECl होता है 0.2 whole with respect to SHE. Standard के लिए फिर होता है एक नॉर्मल किलोमोल इलेक्ट्रोड जिसमें KCl होता है 1 मोलार. देन होता है डेसी नॉर्मल जिसमें कंसंट्रेशन होता है डेसी नॉर्मल में, डेसी मींस 0.1 नॉर्मल. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से. मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट कहीं यूज आएगा, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए बस. सर कैलोमल में नॉर्मलिटी यूज होती थी क्या मोलैरिटी की जगह? नॉर्मलिटी कहीं भी यूज कर सकते हैं, किलोमल से मतलब नहीं है. मतलब जनरली जहां पे हम वैलेंसी की बात करते हैं, रिडॉक्सेशन की बात करते हैं, वहां पे नॉर्मलिटी पिक्चर में आता है. किलोमल में यूज होता था ऐसा नहीं है. स्टैंडर्ड किलोमल की बात करोगे तो सैचुरेटेड केसीएल लेना पड़ेगा, जितना भी केसीएल मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है वो करना पड़ता है. एनसीई बोल दिया है नॉर्मल किलोमल, तो फिर नॉर्मलिटी 1. बाकी स्टैंडर्ड ये था फर्स्ट वाला. ओके सर. हो गया कॉपी.
Yes. चलो आज की ये क्लास स्टडी है, इतना कर लेते हैं। कोरोजन सुनना है पहले, फिर कॉपी करना। कोरोजन इज अ स्लोली कोटिंग ऑफ द मेटेलिक सरफेस विद ऑक्साइड और अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। इन अच्छा कोरोजन हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज जो भी रिएक्शंस होंगे कोरोजन रिएक्शंस, दे फॉर्म अ वोल्टाइक सेल। वो वोल्टाइक सेल फॉर्मेशन होता है, इसलिए उनका ईएमएफ पॉजिटिव आता है, और ईएमएफ पॉजिटिव आता है इसलिए रिएक्शन खुद से हो जाता है, कोरोजन खुद से हो जाता है। आयरन के सरफेस पे आयरन खुद एनोड जैसा करेगा Fe2+ और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका इनोट होता है +0.44 वोल्ट। कैथोड पे रिएक्शन होगा O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर। H+ कहां से आएगा? अच्छा तुमने ये सुना होगा कोरोजन फास्ट हो जाता है जब मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है आयरन। कोई भी आयरन का पार्ट हमारे घर से बाहर रखा होगा, बारिश में रखा होगा, तो जल्दी कोरोड हो जाएगा। ये देखा है और सुना है तुमने। यस तो उसमें पता है CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, H2O जो प्रेजेंट है, दोनों रिएक्ट करके H2CO3 बनाते हैं, और H2CO3 डिसोसिएट होता है H+ कार्बोनेट आयन में, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आकर H+ मिलता है। ये H+ O2 H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके H2O बना देते हैं, और इसका इनोट होता है +1.23 वोल्ट। सो ऑक्सीडेशन हाफ +0.44, रिडक्शन हाफ +1.23। ये दो हो गए, दोनों का यदि तुम ईएमएफ ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और यदि ये पॉजिटिव आएगा इसका मतलब रिएक्शन खुद से होंगे। वंस वी गेट द Fe2+ आयन, अभी Fe2+ आयन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होता है, Fe2O3 बनाएगा +2 से +3, और Fe2O3 में मॉइस्चर ऐड होके Fe2O3.XH2 बनेगा, which is brown in color, इसे रस्ट कहा जाता है। किसी भी मेटल पर उसके ही ऑक्साइड का एक लेयर बनना, इसे कहा जाता है कोरोजन, और आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। क्या ये क्लियर है? यस सर। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन सुन लेना, फिर मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, बस लास्ट हेडिंग है आज की। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, बैरियर प्रोटेक्शन, सबसे इजी वे है प्रोटेक्ट करने का, पेंटिंग कर दो तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। फिल्म ऑफ ऑयल, एक ऑयल की कोटिंग कर दो, उसके फिल्म लगा दो तो वो कोरोड नहीं होगा, पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सेकंड, सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कवरिंग ऑफ आयरन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। सो मेटल जो हमारा मेन मटेरियल जिसका बना है, हमने लेट्स से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक मोटर बनाई आयरन की, हमने उस पर जिंक का एक रफ कोटिंग कर दी, एक थिन कोटिंग कर दी। अब रिएक्ट कौन करेगा? जिंक करेगा। इस रिएक्शन में आयरन जाने के बजाय यहां पे चला जाएगा जिंक ऑक्सीडेशन, तो आयरन बच जाएगा। सेक्रीफाइस किया है जिंक ने आयरन के लिए, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट इज ओके सेक्रीफिशियल। Yes, sir. विधि, चैतन्य, गार्गी, पूर्वा, इज दैट ओके? यस सर। थर्ड, इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। H+ आयन ऑन आयरन गेट्स रिड्यूस्ड एंड अदर एक्टिव मेटल जिंक मैग्नीशियम एक्ट एज एनोड। समझना इसको, मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। हमारा एक आयरन का पाइप है जो अंडरग्राउंड है, अब हम ये चाहेंगे कई सालों तक उस पर रस्टिंग ना हो, वो हम एज इट इज से यूज करते रहें। हम एक मेटेलिक वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, और सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक ज्यादा एक्टिव मेटल रख दिया, लेट्स से हमने यहाँ पे रख दिया, ज्यादा एक्टिव मेटल में मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, जो उससे ज्यादा एक्टिव है, बजाय उसमें हम लेयर बनाने के, क्योंकि रियल लेयर भी यदि हम बनाएंगे तो क्या होगा, अर्थ के अंदर यदि उस पर लेयर भी बनाई, कुछ सालों में वो रिएक्ट कर जाएगा, फिर वो खुद रिएक्ट करने लगेगा,
फिर हम पूरा उसे डिक करो, बाहर निकालो, फिर कोटिंग करो, फिर रखो, तो बजाय उसके हम इसमें थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वे में ये करते हैं, हमें उसे बार बार अंदर बाहर ना करना पड़े, इतना कॉस्ट ज्यादा ना लगे, हम इसको एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। इस आयरन पाइप को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के सर्फेस पर, एक मैग्नीशियम या जिंक या जो से ज्यादा एक्टिव मेटल उस ब्लॉक पर रख देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ना, हमने देखा है केथोड़ का रिएक्शन, ये तो आयरन पे ही होगा, O2H+4 इलेक्ट्रॉन, बट एनोड वाला रिएक्शन उस इस सरफेस पे ना होकर ये बाहर मैग्नीशियम पे हो जाएगा, जिंक पर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव कर जाएंगे। सो अब हम दो हाफ सेल अलग अलग काइंड ऑफ हो गए, पहले एक ही सरफेस पे दोनों रिएक्शन हो रहे थे, अब अलग अलग सरफेस पे हो रहे हैं। आयरन का रिएक्शन फेवरेबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका EMF उससे ज्यादा आ जाएगा। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन, जो खुद आयरन है उसे हमने कैथोड बना दिया है, उस पे कैथोड का रिएक्शन होगा बट एनोड का नहीं। क्या समझ में आया थर्ड वाला? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन से हमने इसको सेव कर लिया है। इज इट ओके सर? तो रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा? रस्ट नहीं होगा क्योंकि आयरन तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा इस बाहर वाले मेटल का जो ज्यादा एक्टिव। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। तो हाँ बोलो सर, वो कैथोड पे हाइड्रोजन एक्वस स्टेट में है? कैथोड पे हाइड्रोजन एक्वस स्टेट में? हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली एक्वस बट मॉइस्चर है, अदरवाइज H2 ऐसे ब्रेक नहीं होगा।
सर सिर्फ जिंक के केस में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं क्या? हाँ, गैल्वेनाइजेशन जनरली जिंक के लिए यूज होता है।